मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन हो रहा है। शेर अंडे को खाने वाला था लेकिन उसमें एक मगरमच्छ का बच्चा निकलता है और शेर के पैर को जोर से पकड़ लेता है। शेर बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है। प्रभु बाप रे। शेर पैर को छुड़ा लेता है लेकिन मगरमच्छ जाकर इसकी पूंछ को पकड़ लेता है जिससे शेर लगता। शेर इसे गर्म करता है फिर भी वह इसकी पूंछ नहीं छोड़ता। तभी शेर इसकी पूंछ पर पैर रख लेता है जिससे वह इसकी पूंछ छोड़ देता है। वह फिर से पूंछ पकड़ता है। लकड़बग्घा इन्हें देखकर और जोर जोर से हंसता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। एक सेकंड। हे प्रभु। बग्घा इसे गर्म करता है तो शेर आग बुझा देता है। लकड़बग्घा भागता है और एक रस्सी में फंस कर पानी। मगरमच्छ तो इस बार शेर के मुंह को पकड़ लेता है। बाबू। शेर को अपनी पुरानी सेटिंग दिख जाती है जिससे इसके दिल में प्यार की आंधी चलने लगती है। शेर अपने आसपास देखता है तो सभी पक्षियों के पास अपनी अपनी सेटिंग होती है। यह देखकर का शेर उदास हो जाता है और सपने में अपनी सेटिंग के पास चला जाता है। शेर सपने में चिड़ियों की तरह अपना घर बनाता है। तुम घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत धूप है बाबू। लेकिन शेर असलियत में गेंडे से चुम्मा चाटी कर रहा था और तभी शेर सपने में अपने सेटिंग को अपने ऊपर बैठाता है। लेकिन असलियत में वह एक गेंडे को अपने ऊपर बैठा रखा था जिससे शेर की हालत बहुत खराब हो जाती है और तभी दोनों जाकर एक चट्टान से नीचे फिसल जाते हैं और जाकर दरअसल दोस्तों यह सुअर मक्खियों से इतना परेशान हो गया था कि वह अपने शरीर को खुजा खुजा कर चमड़ी उतार देता है और खुजाते खुजाते शेर तक पहुंच जाता है जिससे शेर ताले को छोड़ूंगा नहीं। और तभी शेर सुअर को पकड़ लेता है और सुअर की मक्खियां शेर के पीछे पड़ जाती हैं और दोनों भागते भागते सांड की सींगों में खुजाने लगते हैं। और तभी मक्खियां सांड के पीछे पड़ जाती हैं जिससे सांड इन्हें पीठ पर उछाल उछाल कर उनकी तबीयत खराब कर देता है। और वहीं पर ये पक्षी इन्हें देखकर बहुत मजे ले रहे थे और तभी सांड आसमान की शेर ने इसे ऊपर से भगा दिया जिससे मेंढक इसे गाली देने लगा। लेकिन इसे दबाने से यह रबड़ की तरह उछलने लगता है। शेर को यह देखकर मजा आने लगता है और वह बार बार इसे दबाने लगता है इसलिए फिर से इसे दबाता है। लकड़बग्घा यह देखकर जोर जोर से हंसाता है इसलिए शेर लकड़बग्घा की तरफ निशाना लगाता है। तभी लकड़बग्घा बदला लेने के लिए मेंढक को शेर के नीचे रख देता है जिससे बदतमीज लकड़बग्घा बहुत मजे लेता है और शेर मेंढक को ले जाकर उसके मुंह में घुसा देता है जिससे बाप रे। और कुछ देर बाद लकड़बग्घा मेंढक को मुंह में दबा कर आता है जिसे देखकर शेर भागकर टूटे हुए पेड़ में घुस गया। यह देखकर लकड़बग्घा मेंढक को पिचका कर उसी में डाल देता है और मेंढक की बदमाशी देखने के लिए ऊपर चढ़ गया। छोड़ूंगा नहीं।